बच्चों, आज मैं आप लोगों का क्लास फोर का हिंदी का क्लास लेने जा रही हूँ। आपका चैप्टर नेम है संत नामदेव समाज सुधारक, चैप्टर 40। तो ये आपका आज अंतिम पार्ट का अंतिम जो भाग आ गया है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये चर्चा पे जानते हो कि संत नामदेव एक संत थे जिनका जो कि महाराष्ट्र के परपुर गाँव में उनका रहते थे, और वे अपने गुरु की खोज करते हुए उन्हें विशोबा खेचर नामक उनके गुरु से गुरु को उन्होंने अपना गुरु माना। और इस तरह से वो बहुत सारे स्थान में गए जहाँ जहाँ पर उन्हें समाज में जो छुआछूत है, छुआछूत के भेदभाव, ऊंच नीच करना, इस तरह के अंधविश्वासों से लोगों को जागृत कराया, इस तरह से अनेक कार्य किए। तो मैं आज आपका पाठ का जो अंतिम भाग है मैं आपको वो पढ़ाऊंगी। जीवन के आखिरी समय में नामदेव धीमान गांव गए। वहां उनका प्रसिद्ध शिष्य केशव रहता था। धीमान गांव में संत नामदेव का स्मारक भी बना हुआ है। इस मंदिर में उनके रचे अभंगों का पाठ होता रहता है। तो जब वे जीवन का अंतिम समय जब उनका आया तो वो कहाँ गए, धीमान नामक गांव में गए, और वहां उनका एक प्रसिद्ध शिष्य केशव रहता था। और धीमान गांव में संत नामदेव का एक स्मारक भी बना हुआ है, और इस मंदिर में उनके रचे अभंगों का पाठ होता रहता है। तो धीमान गांव में उनका जो शिष्य एक केशव रहता था, और उसी धीमान गांव में उनका एक स्मारक भी बना हुआ है, और उसी मंदिर में अभंगों का पाठ भी होता रहता है। नामदेव ने महाराष्ट्र में वारकरी पंथ की स्थापना की। इसमें आषाढ़ और कार्तिक महीने की एकादशी को नियम से पंढरपुर की यात्रा होती है। इस यात्रा में भाग लेने वाला वारकरी कहलाता है। संत नामदेव ने समाज से जाति भेद तथा छुआछूत के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। तो नामदेव ने महाराष्ट्र में वारकरी प्रांत की पंथ की स्थापना की। फिर क्या हुआ, उसमें आषाढ़ और कार्तिक महीने की एकादशी को नियम में पंढरपुर की यात्रा होती है। तो उसी आषाढ़ और कार्तिक महीने की एकादशी को ही पंढरपुर की यात्रा की जाती है, और इस यात्रा में भाग लेने वाला वारकरी कहता है, और उस यात्रा में जो लोग भाग लेते हैं उसे वारकरी कहते हैं। संत नामदेव ने समाज से जातिवाद तथा छुआछूत के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। तो वो समाज में सम्मिलित जो जाति भेद और छुआछूत है उसे भी मिटाने का उन्होंने यथावत प्रयास किया। फिर नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 100। फिर इसमें है, उन्होंने अपने अभंगों में इसी भावना का परिचय देते हुए कहा है, गंदी जमीन पर तुलसी उगी उसे अपवित्र नहीं कहते। तो अगर जमीन गंदी हो और उसमें तुलसी उगती है तो उसे अपवित्र नहीं कहते। काक विष्ठा से पीपल जन्मा उसे अमंगल नहीं कहते, ठीक है। और पीपल, अगर काक विष्ठा से पीपल का अगर जन्म होता है तो उसे अमंगल नहीं कहते हैं। दासी के पुत्र को राजपद मिले पीछे उपमा नहीं देते। अगर दासी के पुत्र को राजपद मिले उसे पीछे से कोई से उसकी 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 बदनाम नहीं करते। नामा कहता जाति का मैं सिंपी, जाति की उपमा नहीं देते। तो फिर अगर मैं जाति से दर्जी भी हूँ तो इसे की जाति की उपमा नहीं दिया जाता, यानी जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। नामदेव ने अपने जीवन के अंतिम समय में पंजाब से पंढरपुर आ गए थे। वहीं पर 80 वर्ष की आयु में सन 1350 में उनका देहांत हो गया। तो नामदेव अपनी जमीन के अंतिम समय क्या, पंजाब से वो पंढरपुर आ गए, और वहीं पर 80 वर्ष की आयु में 1350 में उनका देहांत हो गया। पंढरपुर में ही उनकी समाधि बनी हुई है। आगे चलकर कबीर, गुरु नानक, रैदास, पीपा आदि संतों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण किया। संत नामदेव सच्चे अर्थों में समाज सुधारक थे। तो वहीं पर उनकी समाधि बनाई गई पंढरपुर में, और जो जो जैसे कबीर है, गुरु नानक, रैदास, पीपा आदि सभी संत उनके ही बताए का अनुसरण किए, और वे सच्चे अर्थ में समाज सुधारक हैं। तो अर्थात हमने संत नामदेव के बारे में समझ के हुए सच्चे संत थे, और वे समाज में सम्मिलित जितने भी जो अंधविश्वास है, जातिवाद का भेद करना, ऊंच नीच का भेद करना, तो इस तरह के जितने भी अंधविश्वास है उन्हें उससे हुए दूर करना चाहते हैं। उन्होंने संभव यथासंभव समाज में इसे प्रचार करने का और उसे समाज को सुधारने का प्रयास किया। तो मैं आप लोगों को जीवन मूल्य में बताऊंगी समाज में जागृति फैलाना। तो वे समाज को वो बताना चाहते थे कि छुआछूत और अंधविश्वास, जाति भेद, ये सब चीज नहीं करना चाहिए, और समाज
में इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रचार किए। फिर है आपका शिक्षा का प्रचार प्रसार। उस समय शिक्षा का उतना प्रचार नहीं था, लोग उतने शिक्षित नहीं थे। उन्होंने सभी में ये चीज़ फैलाई कि लोगों को शिक्षित होना कितना आवश्यक है, इससे समाज का और भी अधिक कल्याण होता है। तो इस तरह से ये पाठ आपका समाप्त हो चुका है। ये है आपका सिद्धांत। पवित्र गंगा का कौआ शिल्पी दर्जी दर्जी अनुसरण पीछे पीछे चलना पीछे पीछे चलना। तो ये कुछ शब्दार्थ है। आप जब ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको और भी कुछ शब्दों के अर्थ आपको समझ में आएगा, तो उसे भी आपको ठीक से देखना है। ठीक है, तो ये आपका पाठ समाप्त हो चुका है। तो इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया है। मैं अपने क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।